हेलो गाइस, राधे कृष्णा। सबको पांचवे दिन की बधाई जी। आज गणपति चतुर्थी की, आज है पांचवा दिन हमारे यहाँ गणपति जी के। अभी माला वाला चेंज कर रहे हैं। आज पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। सुबह के बजे हैं 10। आज फिर मैं लेट हो गई। सुबह घर पे काम बहुत था, कल बारिश आने से सारा घर गंदा हो गया, तो इसलिए सफाई करनी पड़ गई। सुबह सुबह पहले वहाँ घर पे काम करके आई, फिर अभी यहाँ आई हूँ। तो यहाँ भी दुकान की भी सफाई करनी होती है, पहले वो किया है, बस उसी में टाइम लग गया। बापा की माला वाला सब चेंज हो गई है, आरती की तैयारी शुरू हो गई है। आरती शुरू हो गई है। बापा मोरिया लिखिए कमेंट्स में, आप लोग तो लिखते ही नहीं हो, पता नहीं बापा से प्यार ही नहीं है लगता है। बप्पा जी सबका भला करे, कोई बात नहीं ना लिखिए, बप्पा आपका भी भला करे, सबका भला करे, सबकी रक्षा करे। मेरे बप्पा आए रे, रिद्धि सिद्धि को लाए रे, मेरे बप्पा आए रे, रिद्धि सिद्धि को लाए रे। मेरे को भजन आते नहीं है, मैं ऐसे ही बोलती, बुरा मत मान लीजिएगा, मुझे भजन भजन नहीं आते। मैं ऐसे ही हूँ, मैं सिंपल पूजा करना जानती हूँ। अब पूजा की तैयारी होगी, घर पे हम थाली फिरा देंगे दुकान पे। मेरी लाडो मेरे पैरों में आ रही है बार बार कि मुझे भी उठा लो। तैयारी हो गई जी बप्पा की, आरती की। अब हम लगाएंगे बप्पा को भोग। आप लोग बताइए, आप लोग रोज लगाते हैं? मैं रोज सिर्फ लड्डू गोपाल को लगाती थी, अब तो पप्पा जी भी आए हैं तो पप्पा जी को भी लगाना ही होता है। आज मैं बना के लाई हूँ जी परांठी और शाही पनीर, और नाश्ते में गोभी के परांठे। देखिए अभी मैंने वैसे गोभी के परांठे का भोग लगा रही हूँ दोपहर का नाश्ते का। तो दोपहर का तो सब्जी बाद में दोपहर को लगाएंगे, बना के रख दिए। ये लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग रहा है, लड्डू गोपाल जी भी गोभी के परांठे खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद दूध का भोग लगा देंगे। ये मेरे लड्डू गोपाल जी।